बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल की बात करें तो इनको लेकर आए दिन चर्चाओं का विषय बना ही रहता है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और इन फिल्मों की बदौलत आज भी उनकी छवि एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर नजर आती है। आज भले ही वो बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ही कम दिखाई देते हों, लेकिन उनका वर्चस्व आज भी वैसा है जैसे कि वो 90 के दशक में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर नजर आए थे। सनी देओल ने बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में काम किया है, वहीं उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान भी बनाई है, लेकिन आज तक सनी देओल किसी बड़ी हीरोइन के साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आ पाए। उनके करियर की किसी भी फिल्म में किसी बड़ी हीरोइन का नाम शामिल नहीं रहा। इसको लेकर सनी देओल ने एक बड़ा खुलासा किया था। एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने अपनी आप बीती सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने करियर में कभी भी किसी बड़ी हीरोइन के साथ काम नहीं किया। सनी देओल बताते हैं कि मैं श्रीदेवी को फिल्म घायल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने वह फिल्म करने से मना कर दिया था। इसके बाद मैं किसी और फिल्म को लेकर काम कर रहा था। इसके लिए मैंने ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया, उन्होंने भी मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। मैंने कई बड़ी एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच किया है, पर सामने से जवाब नहीं आया। वह मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं हुई। उनके फिल्में रिफ्यूज़ करने का कारण था कि उन्हें लग रहा था कि ये मेल सेंट्रिक फिल्में हैं। हालांकि श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय के ना काम करने के बावजूद भी सनी देओल ने बहुत नाम और शोहरत कमाया। सनी देओल की 90 के दशक में कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली, और यही वो दौर था जब सनी देओल ने खूब नाम कमाया और एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने गए। अपने पिता धर्मेंद्र का नाम उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और अपने बलबूते पर उन्होंने इतना बड़ा स्टारडम कायम किया जो स्टारडम आज भी लोगों के जहन में है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अभिनेता से नेता बने सनी देओल को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं की जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर की लोकसभा सीट से उन्होंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। तब से लेकर आज तक उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे में कहा भी जा सकता है कि आने वाले समय में वो किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन सकें और फैंस भी उन्हें एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन उनके स्टारडम को देखते हुए जिस हिसाब से ऐश्वर्या राय और श्रीदेवी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, ये वाकई चिंताजनक है, क्योंकि सनी देओल एक हमेशा से ही साफ सुथरी छवि वाले एक्टर रहे हैं और उनकी बेहतरीन डायलॉगबाजी को देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो जाता था।